हमास के खिलाफ इसराइल की नई रणनीति। स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल कर सकता है इसराइल, सुरंगों में विस्फोट करता है स्पॉन्ज बम। फिलिस्तीन के अंदर घुसी है इसराइल सेना और माना यह जा रहा है कि जिन सुरंगों के दम पर हमास इसराइल की नाक में दम किए हुए है, उन सुरंगों को नाकाम करने के लिए इसराइल की सेना स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल कर सकती है। बताया जाता है कि ये स्पॉन्ज बम सुरंगों को नाकाम कर सकते हैं, लिहाजा स्पॉन्ज बम का परीक्षण चल रहा है और इसराइल जो कि बेहद उन्नत तकनीक के दम पर लगातार अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता रहा है, अब एक और उसके तरकश में नया तीर आ रहा है, स्पॉन्ज बम जिसका परीक्षण किया जा रहा है और इसके जरिए जो हमास के सुरंग है उनका सर्वनाश किया जा सकता है, उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है, सुरंगों में विस्फोट करता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है ये स्पॉन्ज बम। बताया जाता है कि हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी के अंदर सुरंगों का ऐसा बड़ा जाल बनाया हुआ है जिससे वे इसराइल के अटैक से सुरक्षित रहते हुए हमलों को अंजाम देते हैं। स्पॉन्ज बम क्या है ये आपको बता दें, केमिकल रिएक्शन से फटता है स्पॉन्ज बम, फोम की मोटी परत छोड़ता है ये बम, बंदूक या बम से इसे काटा नहीं जा सकता, इसका जो फोम होता है वो काफी मजबूत होता है जिसे बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता। सुरंग के भीतर हवा को रोक सकता है स्पॉन्ज बम, टनल के रास्ते बंद करने में कारगर होगा स्पॉन्ज बम, यानी जिन सुरंगों के दम पर हमास इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं, उन सुरंगों को नाकाम करने के लिए अब ब्रह्मास्त्र तैयार किया है इसराइल ने।